स्वास्थ्य, समाज सेवा या शिक्षा, वाघ बकरी टी ग्रुप, इन सभी क्षेत्रों में अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए हमेशा ही प्रतिबद्ध रहा है। समाज के प्रति इस कर्तव्य के दायरे को एक कदम आगे बढ़ाते हुए वाघ बकरी टी ग्रुप ने वाघ बकरी फाउंडेशन के माध्यम से जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता के लिए एक नई पहल की है, वाघ बकरी स्कॉलरशिप। गरीब तथा मध्यम वर्ग के कई तेजस्वी छात्र आर्थिक सहायता के अभाव में उच्च अभ्यास नहीं कर पाते, ऐसे जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए वाघ बकरी स्कॉलरशिप एक आशीर्वाद रूप माध्यम बनकर आया है। वाघ बकरी स्कॉलरशिप के लिए विद्या सारथी पोर्टल के जरिए एप्लीकेशन मंगवाई गई और योग्य विद्यार्थियों को चुनकर उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान की गई। उनमें से एक है सपना लूला। मुझे आगे डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी। मेरे 12th में 80% आए करीब, और उसके बाद हमको नीट एग्जामिनेशन देनी होती है। उसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, 597 आउट ऑफ 720, व्हिच इज अ गुड स्कोर। सपना के पिता रास्ते के किनारे एक छोटी सी दुकान लगाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। मैं फुटपाथ पे थोड़ा सा छोटा व्यापार करता हूँ, रुमाल जोरा बेचता हूँ और पर्स जेंट्स के। मेरी तो हालत मतलब खराब ही थी फुटपाथ पे, 200-300 रुपए कमाने वाला इंसान क्या अपनी बेटी को पढ़ा पाएगा। ऐसे साधारण परिवार की सपना वाघ बकरी स्कॉलरशिप के जरिए अपना डॉक्टर बनने का स्वप्न साकार कर पाई है। अभी मैं फिलहाल फर्स्ट ईयर MBBS में हूँ, PDU गवर्नमेंट कॉलेज राजकोट में। ऐसी ही एक और कहानी है भरत की। भरत के परिवार की स्थिति भी अत्यंत साधारण ही थी। मेरे पापा का पहले से ही सपना था कि घर से एक डॉक्टर हो, पर घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। वो घर घर मतलब काम करते थे इलेक्ट्रिक का, फिर भाई को भी पढ़ाना था, घर भी खुद का नहीं था, भाड़े पे रहते थे, चौल पे हैं हम लोग। फिर जैसे तैसे करके उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और फिर मेरे दोस्त ने बताया वाघ बकरी फाउंडेशन के बारे में मुझे। मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है, जिसकी मदद से मैं आगे पढ़ पाऊँगा स्कोर्स को लेकर के, और आगे जा करके एक अच्छा डॉक्टर बन पाऊँगा। अगर यह स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो मेडिकल का उच्च अभ्यास करके डॉक्टर बनने की ख्वाहिश शायद भरत के मन में ही दब कर रह जाती। वाघ बकरी स्कॉलरशिप की सहायता से आज 100 से अधिक छात्र छात्राओं को मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग, BEd और इंजीनियरिंग का उच्च अभ्यास कर पाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अभी निर्मा यूनिवर्सिटी में से स्नातक का इंजीनियरिंग में अभ्यास कर रहा हूँ। 8 साल पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और मेरे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। मैं बचपन से ही एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता था, पर यहाँ की इंजीनियरिंग की प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत ज़्यादा है। अगर वाघ बकरी से सहायता नहीं मिलती है तो मैं निर्मा यूनिवर्सिटी जैसी अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाता। अभी मैं IT SEM 3 में साल कॉलेज से अभ्यास कर रहा हूँ। जब मैं 12वीं कक्षा में था तब मेरे पिताजी की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई थी। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि अर्निंग मेंबर ही हमारे घर में थे नहीं। अभी मैं ग्रोसरी के स्टोर में पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, पर उतनी मेरी इनकम उससे आ नहीं रही कि मैं मेरी कॉलेज की फ़ीस पे कर सकूँ। तो वाघ बकरी स्कॉलरशिप मेरे को मिलने की वजह से मैं कॉलेज की मैं फ़ीस पे कर रहा हूँ और अभी मैं आगे का अभ्यास जारी रख सका हूँ। मेरे पापा कारपेंटर है और इनको बैक पेन की प्रॉब्लम है, इस वजह से वो ज़्यादा घंटे तक काम नहीं कर सकते हैं। घर में इनकम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। वाघ बकरी में से स्कॉलरशिप मिलने के कारण अच्छी तरह से अपना इंजीनियरिंग फिनिश कर सकती हूँ और पापा को भी सपोर्ट कर सकती हूँ फाइनेंशियली। आने वाले समय में भी और अधिक छात्रों को सहायता करने के लिए वाघ बकरी फाउंडेशन प्रतिबद्ध है। वाघ बकरी फाउंडेशन, सामाजिक उत्तरदायित्व की उत्कृष्ट परंपरा, अब युवाओं के सुनहरे भविष्य की ओर।